हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका 26 सितंबर 2020 की शाम, और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप, आपके परिवार के लोग, आजू बाजू में जो लोग रहने वाले हैं वो सभी अच्छे होंगे। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ दुखद खबर भी मिलती रहती है बीच बीच में, बॉटम लाइन एक चीज बताना चाहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड आर ऑल्सो रिकवरिंग विदाउट हैविंग लार्जर सिम्टम्स। तो अपना ख्याल रखिए, खासकर जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें बाहर निकलने की मनाही है, वो कंटिन्यूड रहेगी। अक्सर हम बात करते हैं कब खत्म होगा, एग्जैक्टली 6 महीने की लॉकडाउन अभी कंटिन्यू हो गई। आई मीन 26 मार्च से पूरी तरह से लॉकडाउन एक इम्प्लीमेंट हुई और अभी तक चल रही है। देखते हैं आगे कैसा होता है। लुक्स लाइक ये साल लगता है निकल जाएगा इसमें, जब तक एक अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन ना आ जाए। तो आप सबकी स्वस्थ रहने और आप सबके परिवार के कुशलता की उम्मीद के साथ हम आज की टॉपिक पे आते हैं। और आज की टॉपिक आज सुबह की एक ब्रेन वेव से आई कि एक रिपोर्ट देख रहे थे, सोने के भाव ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं। और तो एक ख्याल आया दिमाग में कि हम इतना इस खास मेटल को, एक धातु जो है, इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। हाय विकी, मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं दुनिया में, बट सोने को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई पूरी दुनिया में। और खासकर एक और भी, मैं मैडम से बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ कि आप औरतों को इतना क्यों प्यार होता है सोने से। तो उन्होंने कुछ सवाल जवाब जो दिए कि एक इंडिपेंडेंस सी आती है, एक 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 तरह की स्ट्रॉन्गनेस अंदर से आती है द लेडी जिनके पास सोना खुद का होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल सेटिस्फैक्शन, एट द सेम टाइम बड़ी उत्सुकता भी होती है कि कितना और सोना रख सकें या खरीद सकें। ये अभी की बात है कि ये पहले से चली आ रही है। तो मैंने इसी सोच पे आज सोने के बारे में थोड़ी रिसर्च की और आप सबसे आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। चंदन जी, स्वागत है आपका। तो अब जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, गोल्ड वन ऑफ द नोबल एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर 79। गोल्ड को एयू भी बोला जाता है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। ऑरम इज द लैटिन नेम जिससे एयू आया, गोल्ड की जो यूनिट है, जो नाम है उनका। इंडिया में संस्कृत में सुवर्ण बोलते हैं और लोकल आम भाषा में हम लोग सोना बोलते हैं इसको। तो एक और चीज जो है, ये अगर केमिस्ट्री की तरफ से देखें तो दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये बिना कोरोजन के, बिना रस्टिंग के लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। एंड ये भी एक कारण है कि इतने आप कहीं म्यूजियम में देखने जाएंगे तो आपको सैकड़ों साल पुराने सोने के सिक्के मिल जाएंगे। तो ये जल्दी ना गलता है, ना पिघलता है, ना एसिड में भी इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। खासकर जैसे नाइट्रिक एसिड है, जिसमें अगर आप बाकी एलिमेंट्स गल जाएंगे, सोना नहीं गलता। तो नाइट्रिक एसिड में एक्चुअली एक टाइम पे फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड उसमें डालते थे, और गोल्ड की प्योरिफिकेशन में भी उसको यूज किया जाता है। प्रणाम पापा। तो वहीं से ये टर्म एसिड टेस्ट भी आई कि इनकी एसिड टेस्ट होने वाली, मतलब खड़ा सोना है तो एसिड में उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप और मैं, हम सब जानते हैं कि सोने का इस्तेमाल तो कॉइनेज में होता रहा है, जैसे पहले सोने के सिक्के बनते थे, ज्वेलरी में होता रहा है। मैं आपसे बात करूंगा कि ये अभी की ट्रेंड है कि बहुत पुरानी ट्रेंड है, वो हम जरा बात करेंगे। आर्ट में होता है, जैसे स्कल्पचर्स बने हैं, हमारे यहाँ तो सोने की मूर्तियां बनी हुई होती थी, और भारत को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। वी वेर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री अक्रॉस, और बहुत सारा प्लंडर हुआ, अलग अलग लोग लूट के ले गए, उसमें से आखिर में जो लूटने वाले थे वो जो हमारे ऊपर 200 साल शासन किया अंग्रेजों ने, तो वो बहुत सारा सोना हमारे यहाँ से ले गए। वापिस आ रहा है, कैसे आ रहा है वो भी हम उसकी बात करेंगे। तो हिस्टोरिकली ये सोने का इम्पोर्टेंस रहा है। एक और चीज, आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या? तो इंग्लैंड में जब भी सोने के सिक्के से आदान प्रदान होता था, और मान लीजिए अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी है तो सोना वजन होता है ना, तो
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये एक एक व्यवस्था की कि आप आपका जो सोना है वो हमारे बैंक में जमा कर दीजिए और उसके बदले हम आपको एक नोट लिख के देते हैं, प्रॉमिसरी नोट। इस नोट के आदान प्रदान से आप कुछ चीज खरीद सकते हैं, कुछ चीजें किसी को दे सकते हैं, और जिसको जब भी वो सोना लेने की जरूरत हो वो बैंक में आए, वो लेटर दिखाए, हम उनको उनका सोना दे देंगे। यहीं से शुरुआत हुई प्रॉमिसरी नोट की, और साथ के साथ बाद में धीरे धीरे सोना और नोट का संबंध कम होता गया और पेपर नोट पे हम आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, एक गोल्ड के जो रिफाइनर्स हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब की एक संस्था है, तो उससे कुछ डेटा निकाली हमने। मतलब 2019 में टोटल पूरी दुनिया में मोटा मोटा अगर बोला जाए तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से 1,97,576 टन सोना है। और वापिस रिपीट करूंगा, द वर्ल्ड गोल्ड एवरेज इज 1,97,576 टन। एनुअल जो टोटल सोना है उसकी जो कंजम्पशन होती है, जो वर्ल्ड डिमांड होती है, हम उसकी बात करेंगे, उसमें 50% टोटल सोना ज्वेलरी बनने में जाता है, 40% सोना लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको अपने पास में रखते हैं। हाय राकेश जी, 50% इज ज्वेलरी, 40% इज इन्वेस्टमेंट एंड 10% इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो आप थोड़ा चौंकेंगे, बोले इंडस्ट्री सोने का करती क्या है? आपके मोबाइल फोन में भी कुछ सोना होता है, और जो हाई एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो थोड़े महंगे वाले, जो ऑडियो फाइल लोग हैं, जैसे जो कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, उसमें सोने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये, जैसे मैंने पहले आपको बताया, लीस्ट रिएक्टिव है। एट द सेम टाइम सोने की प्रॉपर्टी, जो लोग केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, ये काफी डक्टाइल होता है, काफी मेलेबल होता है। इनफैक्ट जो प्योर सोना होता है, 24 कैरेट गोल्ड, उसको इतना मुलायम होता है कि आप उसका आभूषण नहीं बना सकते, तो उसमें अलग अलॉयज मिला करके फिर उसको 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट बनाया जाता है, जिससे एक शेप मिल सके उसको और वो बन सके सोना, मतलब ज्वेलरी बन सके उसकी। आपको यह भी जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि इवन आयुर्वेद में तो सोने का एज अ भस्म इस्तेमाल होता ही था दवाइयों में, बट अभी भी जो इवन एलोपैथिक मेडिसिन की जो ट्रेंड है उसमें भी गोल्ड सॉल्ट्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर नर्व रिलेटेड डिसीजेस या फिर अर्थराइटिस वगैरह में सोने की चीजों का इस्तेमाल अभी भी होता है। सोना अलग अलग तरह का होता है। एक आज की रिसर्च में पता चला कि एक दूसरा इस्तेमाल सोने का, जो नॉर्मली बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा, कि धनी लोग जो होते हैं वो दांत में अगर उनको एक कैविटी हो जाए तो सोने का दांत लगवा लेते थे। इनफैक्ट इससे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, टूटन गोल्ड बोलते हैं, टूटन गोल्ड, इसको ये बदनाम सोना है, बदनाम सोना इसलिए इसको बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद ये अग्री किया बात को कि ऑलमोस्ट 70,000 ज्यू लोगों को उन्होंने हिटलर के हवाले कर दिया। और अगर आप वर्ल्ड वॉर की ओवरऑल जो थ्योरी देखेंगे ना, तो जब भी हिटलर ने एक एक करके देशों को जीतना चालू किया तो उनके जो चांसलर थे, जो बैंक को देखते थे, उन्होंने बोला कि हमारा सोना खत्म हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने फिर ऐसे ऐसे कंट्रीज को चुना कि जो सोने में ज्यादा स्टोरेज थी और उन कंट्रीज के ऊपर में सोना चाहिए था उनको। वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर के दौरान सोने का इतना मूवमेंट हुआ है, जैसे मान लीजिए पोलैंड के ऊपर अटैक हो रहा है, तो पोलैंड ने ऑलरेडी अपना सोना यूके के थ्रू और बाकी जगह पे फ्रांस में भेज दिया। तो बहुत सारी वर्ल्ड वॉर के दौरान, दोनों वन एंड टू के दौरान, सोना एक जगह से दूसरी जगह जहाजों से भेजा गया, और कई सारे जहाज सबमरीन्स ने, जो जर्मनी के सबमरीन्स थे, उन्होंने डुबो दिया। अब उसका नतीजा यह है कि एक अमेरिकन कंपनी है, अभी उसका नाम है ओडिसी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, उनका काम एक ही है, बहुत बड़ी जहाज है उनकी, बहुत सारा इक्विपमेंट लेकर वो पूरी दुनिया में चलते हैं और ये खोजते हैं कि कहां पे एक जहाज डूबा और वहां से सोना एक्सट्रैक्ट कर सके। अभी कुछ सालों पहले उन्होंने राजीव कुमार जी कह रहे हैं, करण ने भी सोने के दांत लगवाए थे, बहुत बढ़िया। तो ओडिसी ने
एक स्पैनिश गोल्ड रिजर्व पाया नीचे में, मतलब समंदर के नीचे से उनको 6500 सोने के सिक्के मिले, जो उसको निकाल कर लेकर आए, और एज पर प्रोसेस यूएसए के कोर्ट में उन्होंने बताया कि हमें इतना सोना मिला है। किसी को क्लेम करना है तो अपना वो क्लेम कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर में क्लेम दो देशों ने कर दिया, पेरू ने क्लेम कर दिया और स्पेन ने भी क्लेम कर दिया कि ये हमारी जहाज डूबी थी। पेरू ने इसलिए क्लेम किया कि स्पैनिश ऑक्यूपेशन के दौरान पेरू से जो इंका लोग थे वो लोग काफी सोना यूज करते थे, तो उनका सोना लेकर के वो स्पेन में जो जहाज जा रही थी और वो जहाज डूबी, तो वो जो सोना निकला बाद में, फिर यूएसए की कोर्ट ने ओडीसी को बोला कि ये जो सोने का आपको जखीरा मिला है वो स्पेन को दे दिया जाए, वो उनके वाजिब हकदार हैं। बड़ी उनके लिए तो फिर वो दे देना पड़ा उनको पूरा, पता नहीं कंपेंसेशन हुई कि नहीं हुई, बट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा चांदी का जखीरा खोजा, जिसमें कि ऑलमोस्ट सैकड़ों टन के हिसाब से चांदी समंदर के तल से एकदम ब्रिक के हिसाब में वो निकल के आई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और दुनिया में जो गोल्ड और सिल्वर जो प्रीशियस मेटल बोलते हैं, इनकी मूवमेंट और इनकी हिस्ट्री के पीछे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। हम उसमें से कुछ कहानियां आज कोशिश करेंगे शेयर करने की, हो सकता है कल भी इसको कंटिन्यू करें। तो टूटेन गोल्ड जो होता था वो ज्यू लोग, जो 70,000 ज्यू और बाकी जो जिनको अलग अलग टॉर्चर से मारा गया गैस चेंबर में और बाकी, तो या तो उनके कान नाक से छीन लेते थे, या फिर जिनके ज्यूज के दांत सोने के होते थे उन सब का दांत तोड़ करके वो सोना निकाला जाता था। बाद में उस सोने को पिघला करके और एक ब्रिक के हिसाब से या बिस्किट के हिसाब से भेजा गया। हिस्ट्री में ये बताया गया है कि जब भी हिटलर मरे हैं और उनके जो दांत में जो सोने के दांत थे, वो हिस्टोरियंस का बोलना है कि उन्होंने वही टूटेन गोल्ड का बनवाया हुआ था। तो ये बड़ी बार्बरिक सी अत्याचारी कहानी है, बट हिस्ट्री है, उसमें हमारा अख्तियार कुछ नहीं है अत्याचार क्या था क्या था, बट हमारा काम रिपोर्ट करना है, आपको बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अभी यूनिवर्सली जो बोला जाता है कि मतलब सोना ये पृथ्वी पे आया कहां से, ये आज तो हम जो खदानों से निकाल रहे हैं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से 3-4 थ्योरीज हैं कि सोना कैसे बना होगा, बट एक थ्योरी जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों को भरोसा है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन, दो स्टार कोलिजन होती है उसमें सोना बना है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि जब भी पृथ्वी लिक्विड फॉर्म में थी तो एक स्टेरॉइड आई जो उल्का होती है वो सोने की थी और वो पृथ्वी के क्रस्ट तक चली गई, तो ये भी माना जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सोना है, लेकिन वहां इतनी टेम्परेचर ज्यादा होती है काफी नीचे जाना होता है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि नहीं, पृथ्वी जो बनी तो उस बनावट में ही, तो कहीं किसी स्टार के टुकड़े के तौर पे आए, तो हमारी जो बनावट है उसी में सोना ओवरऑल है। कुछ साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से भी सोना एक जगह इकट्ठा हो सकता है, और जहां तक आपको और हमें मालूम है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है, जो कोर है, वो लिक्विड है अभी भी, तो उसमें बोला जाए तो उसमें भी सोना है अभी। हिस्टोरिकली अगर आप देखने जाएं कि सोना सबसे पहले कहां देखा गया और जाना गया, तो 40,000 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से कुछ आप 42,000 साल की बात कर लीजिए, तो वहां पे गुफाओं में नेटिव गोल्ड देखेंगे, मतलब नेचुरल फॉर्म में सोने के छोटे छोटे अंश देखेंगे। दुनिया भर में जैसे अपने यहाँ तोला बोलते हैं ना, 10 ग्राम को 1 तोला आउंस, तो दुनिया भर में ट्रॉय आउंस के नाम से सोने की खरीद बिक्री होती है, और ये बहुत सैकड़ों सालों से चली आ रही है। 1 ट्रॉय आउंस इंटरेस्टिंगली इज 31.10 ग्राम्स। तो अगर आप बुलियन मार्केट, जो सोने की जो बाजारें हैं विदेशों में हैं, वहां पे अगर सोना कोई खरीद बिक्री की बात करते हैं, तो ट्रॉय आउंस ही एक यूनिट है जो अभी भी मानी जाती है, 31 ग्राम, याद कीजिएगा उसको। मैं सोच रहा था कि सोना महंगा क्यों है, तो सोना एक तो महंगा इसलिए है कि दुनिया में जो एक बहुत बड़ा रॉक मिला था, नाम भूल गया मैं उसका, 860 किलो का एक सोने का पत्थर है, उसमें से 860 किलो में से प्यूरिफाई करके आपको 30 ग्राम सोना मिलेगा, मतलब एक ट्रॉय आउंस। और इस प्रोसेसिंग में आज की जो माइनिंग है एक्टिविटी काफी लेबर इंटेंसिव होती है, काफी जमीन के नीचे जाना होता है, बहुत गर्मी होती है वहां पे, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है सोने को निकालने के, जिसमें मर्क्यूरी भी एक है।
तो इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, बिजली का बहुत खर्चा है, फिल्ट्रेशन में पानी का खर्चा बहुत होता है। तो प्रति ग्राम सोने के प्रोडक्शन आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत खर्च हो चुका होता है। तो एक तो कि रेयर है, कम पाया जाता है, प्लस उसकी प्रोसेसिंग और फिल्ट्रेशन में ना कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, इसलिए सोना महंगा। तो मान लीजिए सोना बन गया, फिल्टर हो गया, रिफाइनरी से निकल के आ गई, बट आज के डेट में सोना कितना, आप देखते होंगे हर दिन सोने के भाव ऊपर नीचे होते हैं ना, ये कौन डिसाइड करता है? दुनिया भर में सोने की प्राइस डिसाइड करने के लिए, इसको गोल्ड फिक्सिंग बोलते हैं। फिक्सिंग अभी बुरी बात है जो कि मैच के हिसाब से बोलते हैं, बट सोने के दाम फिक्स किए जाते हैं। ये सबसे पहले 1919 में पांच दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनर्स या ट्रेडर्स जो थे, एनएम रॉथचाइल्ड एंड सन्स, मोकाटा एंड गोल्डस्मिथ, क्रिक्सली एंड एबी, सैमुअल मॉन्टेज एंड कंपनी एंड शार्प एंड विल्किंस, सारे यूके की कंपनीज थी। इन लोगों ने एक साथ बैठ करके एक, आप इसको सहकारी व्यवस्था भी बोल सकते हैं, जिसमें सोने की प्राइस फिक्स की गई। अभी कौन करता है? अभी भी चार पांच बैंक हैं जो कि इसकी प्राइस को फिक्स करते हैं। लंदन से ही होता है पूरे दुनिया का सोना फिक्स। अभी इसमें बड़े बड़े बैंक आ गए हैं। अभी पहले के समय में होता था कि अगर पांचों आदमी सहमत हो जाए, और ये क्या करते हैं, ये अभी की जो सोने की जो प्राइस फिक्सिंग है बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बताता हूं कि इसमें ना केवल ये देखा जाता है कि आपके पास कितना सोना है और कितनी डिमांड है, बल्कि हाइपोथेटिकली भी पेपर गोल्ड भी उसमें ट्रेड होती है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि जितना सोना खरीदा और बेचा जाता है उतना सोना वास्तव में है नहीं। तो वैसे देखने जाए तो पैसा भी एक पैसा कागज ही है, बट हम उसको मान के, एक मानक मान के चलते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूएसए में 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि हमारे देश की हालत और सोने की रिजर्व इतनी कम है कि अमेरिका का नागरिक खुद सोना होल्ड करके नहीं रख सकता, आप सोना प्रैक्टिकली प्राइवेटली नहीं रख सकते। और सरकार ने एक दाम फिक्स किया था तभी, $20 प्रति ट्रॉय आउंस आपको आपका सोना सरकार को डिपॉजिट करना है, उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब एक नॉर्मल लिमिट जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसके अलावा सोना रखना गैर कानूनी था पर्सनली, और बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हुआ। ये मुझे नहीं मालूम था आज के पहले, यहां तक कि ये कब तक चला, 1933 जो लड़ाई के समय में चालू हुआ था, उसके बाद से चला 1974 तक, जेराल्ड फोर्ड के आने के बाद 1974 के 31 दिसंबर को ये जो कानून था वो हटाया गया। उसके बाद अभी अमेरिका के लोग सोना रख सकते हैं, सोना इकट्ठा कर सकते हैं पर्सनली, बट पहले उनको ये अलाउड नहीं था। बाकी किसी और कंट्री में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 1959 से 1976 तक पर्सनल गोल्ड होल्डिंग मना किया हुआ था, आप नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। राजीव जी बोल रहे हैं वायदा बाजार में सोना वर्चुअल होता है। वायदा बाजार आपने बहुत सही टर्म बोला, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा, आप बताइएगा, मुझे ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट, जैसे आपको अभी मालूम पड़ा होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में तेल के भाव जीरो हो गए। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? आज की स्टॉक नहीं, आगे के फ्यूचर के ऊपर में ट्रेडिंग होती है, आगे कैसी डिमांड होगी, आगे क्या सप्लाई होगी। तो तेल में होता है, कमोडिटीज में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। इंडिया में हम आगे आपको बताएंगे कहां पे ये होती है, बट अभी सिंस उस टॉपिक पे MCX जो एक्सचेंज है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करती है कमोडिटीज की। विकास जी नमस्कार। हम तो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी 1959 से 1976 तक गोल्ड प्राइवेटली नहीं रखने की कानून पास की थी। अब जब मैं बात की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो टोटल गोल्ड एनुअल डिमांड 10 साल की एवरेज निकाली है 2008 से 2017 तक, हर साल दुनिया में 4,282 टन गोल्ड की डिमांड है। एनुअल सप्लाई कितनी है 10 साल का एवरेज, वो भी है 4,307 टन। एक और चीज, ये जो सप्लाई में जो सोना आता है उसमें से 67% माइनिंग होके आती है और 33% रिसाइकल होता है, मतलब पुराना सोना उसको गलाया फिर नया बनाया ऐसे करके। अभी टोटल स्टॉक अगर आप सोने का वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से देखने जाए दुनिया भर में, तो 47.7% स्टॉक टोटल सोने का वो ज्वेलरी के तौर पे है। और जो अनुमान है 90,718 टन सोना लोगों ने अपने पास, प्राइवेट लोगों ने रखा हुआ है।
बाकी जो दुनिया के बड़ी बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने 21% दुनिया का सोना रखा हुआ है अपने पास, जो कि है 40,000 टन प्राइवेट लोगों के पास है। ऑफिशियल सेक्टर, जो कि आपके बैंक वैंक हैं, कौन से, ये छोटे बैंक नहीं, रिजर्व बैंक, नेशनल सेंट्रल बैंक्स, उनके पास 17% सोना है टोटल, मतलब 32,575 टन। और बाद में अदर्स में आते हैं 14%, जो कि 26,711। सो टोटल सोना मोटा मोटा 1,90,000 टन दुनिया में है, जिसमें से वापिस रिपीट करूंगा 47% सोना नॉर्मल लोगों के पास है ज्वेलरी के तौर पर। तो हमें क्या लगता है कभी कभी कि नहीं, ज्यादा सोना तो सरकार के पास नहीं, सरकार के पास सोना बहुत कम है, सोना ज्यादा लोगों के पास है। और जो भारत में सोने के जो भाव निर्धारित होते हैं, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग जो राजीव जी बता रहे हैं, वायदा बाजार, वो होता है MCX में, इसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें क्या खाली सोना ही बेचा जाता है? नहीं, सोने के अलावा आप दलहन, तिलहन, ताल, तेल, जो भी कमोडिटीज हैं, उन सब की उसमें खरीद बिक्री होती है। तो आप MCX.com वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर में आपको भारत में सोने के क्या दाम है, कैसे चल रहा है, ये सब डिटेल्स आपको मिलेंगे। एक और चीज, भारत सोने की चिड़िया थी, अभी इस सोने की चिड़िया के पास कितना सोना बचा है? तो इस एंगल से मैं सोच रहा था, तो मैंने दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व वाले कंट्रीज का डेटा निकाला। खुशी की बात यह है कि अभी भारत में ऑल टाइम हाई गोल्ड रिजर्व है। ऑल टाइम हाई गोल्ड रिजर्व मतलब भारत के पास अभी 658 टन गोल्ड है, 658 टन गोल्ड भारत सरकार के रिजर्व में है। अब कंपैरिजन हम करते हैं दुनिया के टॉप 10 कंट्री जिनके पास गोल्ड कितना है रिजर्व में, और वो उनका टोटल जो, मैं क्या बोलूं उसको, फॉरेन रिजर्व जो बोलते हैं, कि सरकार का टोटल पैसा किन किन चीजों में स्टॉक किया हुआ है, उसके हिसाब से बताता हूं। नंबर वन पे कोई आश्चर्य की बात नहीं, नंबर वन गोल्ड रिजर्व है किसके पास? यूएसए के पास। कितना? 8,134 टन। और ये उनकी टोटल जो पैसे हैं, टोटल जो फॉरेन रिजर्व है, उसका 80% है। मतलब इस दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज्यादा सोना है एज अ कंट्री, वो यूएसए है, और उन्होंने अपना ज्यादातर जो रिजर्व है उसको सोने के तौर पर रखा हुआ है। नेक्स्ट आती है आश्चर्यजनक तौर से, और क्यों बोलते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज काफी रिच है, जर्मनी, छोटी सी कंट्री है इंडिया के हिसाब से देखने जाए, बहुत छोटी कंट्री है, 3,364 टन का सोना है उनके पास, जो कि उनके फॉरेन रिजर्व का 76% होता है। तीसरे नंबर पे आपको और ज्यादा आश्चर्य लगेगा, जर्मनी से भी छोटी कंट्री इटली, इटली के पास 2,452 टन सोना है, जो कि उनका 66% रिजर्व बनाता है। एंड आफ्टर दैट नंबर फोर इज फ्रांस, विच हैज 2,436 टन उनके पास भी है। रशिया के पास है 2,300 टन। उसके बाद आता है चाइना, नंबर 6 पे, चाइना के पास है 1,948 टन का रिजर्व। उसके बाद एकदम छोटा सा कंट्री आता है स्विट्जरलैंड, जो कि नंबर 7 पे है, उनके पास भारत से ज्यादा सोना है, 1,040 टन का सोना है, हालांकि ये उनके फॉरेन रिजर्व का केवल 7% है। जापान 765 टन, एंड आफ्टर दैट कम्स इंडिया एट नंबर 9, और भारत के पास है 658 टन। नंबर 10, वेरी स्मॉल कंट्री अगेन, नीदरलैंड, 613 टन सोना। तो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, कि भारत सरकार के पास, हमारे रिजर्व बैंक के पास 658 टन सोने का रिजर्व है, और भारत की जनता हर साल 974 टन सोना खरीदती है। किस चीज के लिए? ज्वेलरी। भारत दुनिया के अभी चाइना ने बीच में पीछे छोड़ा था इंडिया को नंबर वन कंज्यूमर में, बट साल दर साल दुनिया में 900 मतलब सबसे ज्यादा सोना कोई देश खरीदता है, कॉमन पब्लिक खरीदती है, वो इंडिया में होता है। 974 टन सोना हर साल खरीदी जाती है, और खासकर पीक क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड, दिवाली, क्रिसमस, बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां का सीजन होता है, तो सोने की बहुत खरीद बिक्री होती है। तो मतलब जान लीजिए, भारत सरकार के पास जितनी रिजर्व है, उससे ज्यादा सोना, 900 मतलब भारत सरकार के पास 658 टन सोना है, और भारत की जनता हर साल 974 टन सोना खरीदती है। अब सरकार के पास जो सोना होता है, वो क्या हर सरकार अपने पास रखती है? नहीं,
इसमें बहुत सरकारों ने क्या हुआ है, सोने की जो मूवमेंट हुई है ये लड़ाइयों के दौरान होती है कि सोना अगर आपका देश का लूट लिया जाए तो फिर देश तो कंगाल हो जाएगा। तो दुनिया में एक दो ऐसे जगह है, एक दो बैंक है जहां पे दुनिया का सोना इकट्ठा है। ये दो जगह की खासकर बात करूंगा, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व गोल्ड जो डिपॉजिट है वहां पे 36 देशों का सोना पड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड स्टॉक है, हम उसकी आगे बात करेंगे। अगर आपने अभी ख्याल किया होगा तो वेनेजुएला नाम की एक कंट्री है, वेनेजुएला में अभी वहां के जो गवर्नमेंट बनी है उसको काफी देश मान्यता नहीं दे रहे कि नहीं ये इलीगल है, ड्रग माफिया है, ऑल दैट। मई के महीने में वेनेजुएला के जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को रिक्वेस्ट डाला कि हमें हमारा सोना वापस चाहिए, क्योंकि हमें कोविड से लड़ाई के लिए, और अमेरिकन ऐसे भी उनके ऊपर में और यूरोपियन कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है कि आप वेनेजुएला के साथ कोई कंट्री ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका पैसा, वो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोर्ट में वो बात रखी, बोली कि ये हम इनको सोना इनका नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकार की मान्यता नहीं है। और यकीन मानिए वेनेजुएला का $1 बिलियन वर्थ का जो सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नहीं दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग सी बात है। नेक्स्ट इज जो हम बात कर रहे थे बैंक ऑफ इंग्लैंड की, तो उनके पास अभी जो डेटा है उसके हिसाब से कहा जाता है कि उनके पास 400,000 सोने के बार हैं जो कि स्टॉक में है। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गोल्ड वॉल्ट है वो 320 साल पुराना है, और इसको एक ये भी बोला जाता है कि उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो क्रेडिट है कि 320 साल में आज तक कभी उनके यहां चोरी नहीं हुई। नेक्स्ट जो फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, उनकी जो न्यूयॉर्क में वॉल्ट है उसको इंटरेस्टिंगली 2008 में टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया, तो आप और मैं भी अगर न्यूयॉर्क जाएं तो हम जाकर इसको देख सकते हैं। न्यूयॉर्क में जो गोल्ड वॉल्ट है वो 80 फीट जमीन के नीचे है। एक टाइम था 1973 में जब ही उस एक बिल्डिंग में, उस एक वॉल्ट के अंदर में 11,000 टन सोना पड़ा था दुनिया का, 11,000 टन। हालांकि अभी जो वो संख्या है, वो जो नंबर है वो कम हो गई है। आज के डेट में 2019 में वो 11,000 टन से घट के 5,620 टन बच गया। अभी जो न्यूयॉर्क की गोल्ड रिजर्व है उसमें 36 देशों ने डिपॉजिट की हुई है, और उनका जो आज 5,620 टन है वो 98% दूसरी कंट्री का सोना है, अलग अलग रिजर्व बैंक ने वहां जमा करके रखा है, और खाली 2% जो है वो यूएस गवर्नमेंट का है। तो फिर मैंने सोचा तो यूएस गवर्नमेंट अपना सोना कहाँ रखती है, तो उनके 2-3 अलग अलग डिपॉजिटरीज हैं, जिसमें से एक फोर्ट नॉक्स आपने सुना होगा, काफी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट उसको माना जाता है, केंटकी में है फोर्ट नॉक्स। वहां पे यूएस बुलियन जो होता है डिपार्टमेंट का, अब 4,583 टन सोना रखा हुआ है। ये डेटा है 31 जुलाई की 2020 की, तो अभी वहां पे इतना सारा सोना रखा हुआ है। तो सोना, सोने की मूवमेंट काफी ट्रिकी एक सब्जेक्ट है, जो प्राइस फिक्सिंग काफी ट्रिकी होता है। प्यार सोने से हमारा क्या नया है कि ये बहुत पुरानी बात है, ये हम कल आपसे शेयर करेंगे। और मैं जो हिस्ट्री सोने की देख रहा था उसमें एक मेरे को एनोमली दिखी, वो एनोमली ये दिखी है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने वैदिक काल में जो सोने का महत्व है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो मैं हम कल आपसे बात करेंगे कि इंडिया में सोने का क्या महत्व था और वैदिक काल में क्या महत्व था। राजीव जी लिख रहे हैं कि बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारा सोना है, यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक छोटे से हिंट देकर आज की टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ऋग्वेद में सोने का मेंशन है, हिरण्य बोला गया है, जट रूप बोला गया है, सिंधु नदी को हिरण्य माया कहा गया है कि उस नदी से सोना निकलता था, सरस्वती को हिरण्य वर्तिनी बोला गया है, और भी डिटेल बात करेंगे सोने का और क्या इस्तेमाल होता है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी। आपने सोने का वरक लगा कुछ खाया होगा तो आपको मालूम होगा कि कुछ जो स्पेसिफिक हाई एंड शेफ होते हैं वो सोने का वरक का इस्तेमाल, चांदी वरक तो आपने निश्चित ही खाया होगा, बट अभी भी हाई एंड क्विजीन में, हाई एंड कुकिंग में, जो गूमे फूड होता है उसमें सोने का डस्ट,
सोने का वरक इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो कल हम आपसे वापस मिलेंगे और हम बात करेंगे सोने का इंडिया में स्पेसिफिक इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और क्या अलग अलग जगहों पे सोने का किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो आईपीएल का मैच एंजॉय कीजिए और कल हम और आपसे मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।